Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. Hope you all are safe and doing great. So today I'm going to share with you my weekly pamper skincare, hair care, body care routine. So अगर आप teenagers हो तब भी आप इन steps को follow कर सकते हो. बहुत easy simple step मैं week में follow करती हूँ. So please keep on watching before starting. If you are new here, so please subscribe to my channel and if you like my content, so please press the bell icon. तो चलो start करते हैं आज के video. So without further ado, let's get started. सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेयर केयर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है हमारे लिए. हेयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना बनती है ना. तो पूरी वीक में हम लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हेयर को केयर करना भूल ही जाती है. तो अगर आप बिजी रहते हो, आपको जॉब करना पड़ता है, आपको बाहर जाना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो अपना वीक में डेफिनेटली एक टाइम निकाल लो खुद के लिए. आप ना चाहो तो आप सैटरडे नाइट को ना अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर सकते हो. तो यहाँ पर मैं ना कोकोनट हेयर ऑयलिंग यूज़ कर रही हूँ. पैराशूट की आप कोई भी ऑयलिंग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से. तो अच्छे से बस मसाज कर लेना पूरी स्कैल्प के ऊपर. ऐसा ना आपको ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील होती है. एंड गाइस आपकी हेयर लेंथ पूरी लेंथ पे अप्लाई करना, ऑयल को अच्छे से मसाज कर लेना और ओवर नाइट इसको बस छोड़ देना. तो हेयर ऑयलिंग मैंने अच्छे से कर लिया था, इसको मैं ओवर नाइट रख दिया था. नेक्स्ट डे है संडे तो अच्छे से मैं हेयर वॉश करने वाली थी, बट ये थोड़ा सा पैम्पर रूटीन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बनती है आपकी हेयर के लिए. तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, अप्लाई करने वाली हूँ एक हेयर मास्क. तो बेसिकली आप घर में इजीली ना कर सकते हो, बस इस कुछ स्टेप्स को आप फॉलो कर लेना. तो मैं अपना 3 स्पून ना बस कार्ड ले रही हूँ, उसके साथ एक बनाना मैं ऐड करूँगी और उसकी जगह उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ना एक एग. अगर आपको स्मेल नहीं पसंद है एग की तो आप ना उसकी जगह कोई भी एलोवेरा जेल या फिर विटामिन ई कैप्सूल हनी भी आप ले सकते हो. अच्छे से बस मिक्स में ना मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को. और यहाँ पर रेडी हो गई है हमारी हेयर मास्क. तो इसको मैं बाथरूम में अच्छे से कवर कर लिया था पूरी हेयर के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, क्योंकि मैं रूम में वीडियो बनाती हूँ और पूरी ना मेसी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है ना रूम में. तो इसकी वजह से मैं बाथरूम से अच्छे से कवर कर लिया था सब कुछ, मतलब मास्क जो है वो मैं पूरी हेयर पर अप्लाई कर लिया था अच्छे से. उसके बाद मैंने यहाँ पर ना एक पॉलीथीन लिया, क्योंकि मेरे पास कोई भी शावर कैप नहीं है और जो चीज़ें हैं वो इधर उधर ना गिरे, इसकी वजह से ना इसको मैं कवर कर ले रही हूँ. तो अगर आप शावर कैप यूज़ करना चाहते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह अपना हैक्स भी कर सकते हो. तो अच्छे से मैंने एक घंटा के लिए ना ऐसे बस छोड़ दिया इस हेयर मास्क लगाने के बाद. उसके बाद आप नॉर्मल ठंडी पानी से ना आप नहा लेना, हेयर को वॉश कर लेना और शैम्पू कंडीशनर करना मत भूलना. तो मैं यहाँ पर हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया था तो उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये ना थोड़ा सा मैनेजेबल हो गई है मेरी हेयर. उसके बाद ना मैं बस फिंगर की मदद से जितने भी हेयर में डिटेंगल है ना उसको बस मैं छुड़ा रही हूँ. आप बिल्कुल भी कोम मत यूज़ करना गाइस, ऐसे में ना आपकी हेयर फॉल होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है. उसके बाद जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सीरम अप्लाई करना. हेयर सीरम आप ज़रूर अप्लाई करना, ऐसे ना आपकी जो हेयर है ना काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लगती है, स्मूथ हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा ना सिल्की शाइनी हो जाती है. तो मैं यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एक हेयर सीरम जो कि मुझे पसंद है लिवॉन की. आप कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो. सी गाइस अभी आप फाइनल जो रिजल्ट है ना मेरी हेयर की वो आप यहाँ पर देख सकती हो. काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गई थी मेरी हेयर, इतना ज़्यादा मैजिकल लग रही थी ना. नेक्स्ट डे ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये हेयर मास्क अप्लाई करने में वीक में. अगर आप ऐसी तरह से कोई भी पैम्पर रूटीन को फॉलो करते हो ना तो ज़रूर इन स्टेप्स को फॉलो करो आपकी हेयर के लिए. ओके सो नेक्स्ट बारी आती है हमारी स्किन केयर की. तो पूरी वीक में हम लोग बाहर निकलते हैं, जाते हैं जॉब के लिए, ये करते वो करते, बट हमारी जो स्किन है ना लाइट सनलाइट की वजह से और धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डल डैमेज हो जाती है. तो वीक में ज़रूर आप एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करो. तो मैं यहाँ पर अच्छे से पूरी हेयर को ना टाइप कर लिया, एक बैंड भी है मैं यहाँ पर ना वेयर कर लिया ताकि कोई भी छोटे मोटे बाल वो ना आ जाए मेरी फेस के ऊपर अच्छे से. उसके बाद मैंने क्लीन कर रही हूँ मेरी फेस को विथ फेस वॉश और अच्छे से ऐसा ना मसाज कर लेना 2 से 3 सेकेंड्स के लिए. उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेना फेस को एंड ठंडी पानी से ही ना आप वॉश करना हमेशा, और गर्म पानी आप कभी भी मत यूज़ करना फेस के ऊपर और हेयर के ऊपर भी स्पेशली. उसके बाद एक क्लीन मैं यहाँ पर ना कॉटन क्लोथ से ना मैं हमेशा ना मेरी जो फेस है ना उसको मैं ड्राई आउट करती हूँ. देन मैं यहाँ पर जितने भी फेशियल हेयर है ना उसको मैं रिमूव करने वाली हूँ. तो ये जो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए ना आपको रिजल्ट मिल जाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साइड पर. अगर आप कंफर्टेबल हो तो ही आप कर लेना. बेसिकली मुझे वीक में 2 से 3 बार करना ही पड़ती है क्योंकि ना मैं मेकअप वीडियो शूट करती हूँ
तो उसकी वजह से मुझे चाहिए होती है ये इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं अच्छे से ना जो हेयर है ना मेरी फेस की सबको मैं अच्छे से रिमूव करूँगी, बहुत ही अच्छे से धीरे से टाइम लेके रिमूव करना, नहीं तो कट हो सकती है आपकी स्किन। और ये ना बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसेस होती है, कभी कभी किसी को लग सकती है कि ये पेनफुल होती है, बिल्कुल भी ये पेनफुल नहीं होती है। तो अच्छे से मेरी चिक्स की अराउंड और फोरहेड्स माउथ की आसपास जितनी भी हेयर है उसको मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी। देन मैं आज एक फेस पैक अप्लाई करने वाली हूँ, तो कैसे आप घर में इजीली फेस पैक रेडी कर सकते हो खुद के लिए वो भी आप देख लो। तो फेस पैक बनाने के लिए मैं एक क्लीन बोल पे ले लिया 2 चम्मच कर्ड, उसमें ऐड किया 1 कॉफ़ी पाउडर, मतलब आप 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर ले लेना, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना एंड उसके बाद अप्लाई कर लेना पूरी फेस के ऊपर। आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा भी बना सकते हो, आप ना इसको ना फुल बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो। सो उसके बाद आप 30 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देना ड्राई होने के लिए, और उसके बाद आप क्लीन नॉर्मल ठंडी पानी से ना बस फेस को क्लीन कर लेना। अगर बॉडी में भी यूज़ कर रहे हो तो बॉडी को वॉश कर लेना अच्छे से स्क्रब करते हुए। तो गाइस ये समर टाइम है एंड कभी कभार ना हमारी ना सन टैन हो जाती है बाहर अगर आप निकलते हो उसकी वजह से, एंड घर में भी कभी कभार ना हो जाती है सन टैन। तो जो कर्ड है ना वो बेसिकली सन टैन को रिमूव करती है एंड साथ साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट हेल्दी ग्लोई बनाती है। और जो कॉफ़ी पाउडर है ना, अगर आपकी स्किन में कोई भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स एंड डेड स्किन है ना उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इन ईजी स्टेप्स को आप फॉलो करके ना घर में फेस पैक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास ना ये गुड वाइब्स की जो चारकोल फेस मास्क है ना वो काफ़ी दिनों से है और काफ़ी जल्दी ये ख़त्म भी होने वाली है, बट मुझे ना याद ही नहीं रहता इसको अप्लाई करने में, तो आज सोचा कि इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये ना बेसिकली ना स्क्रब की तरह काम करती है और फेस मास्क की तरह, तो इसको मैं पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छी वाली मास्क है ये, चारकोल फेस मास्क है, और इसको मैं अप्लाई करने के बाद सेम मैं 30 मिनट्स इसको मैं 15 to 20 मिनट्स आई थिंक रखी थी, उसके बाद मैंने वॉश कर लिया पूरी फेस को। देन मैं फेस को थोड़ा सा ड्राई आउट कर रही हूँ। उसके बाद आपको स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करना है, जैसे कि टोनर सीरम एंड मॉइस्चराइजर। सो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद सीरम अप्लाई कर लेना अगर आपके पास है, आप अगर यूज़ करते हो। अगर आप डे टाइम में इन स्टेप्स को फॉलो करते हो ना तो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद कोई भी सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर लेना। तो बेसिकली मैं नाइट टाइम में करती हूँ, तो मैं कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया, बस सेटाफिल की एक मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। उसके बाद लिप्स को भी मॉइस्चराइजर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना। उसके बाद आप देख सकते हो गाइस मेरी जो स्किन है कितना ज़्यादा हेल्दी ग्लोई लग रही है। लास्ट जो बारी आती है वो है हमारी फुल बॉडी केयर की। सो फास्ट जो आप नेल पेंट्स यहाँ पर देख रही हो ना मेरी अधी अधी, ये दिखने में इतना ज़्यादा गंदी लगती है ना, आपकी इंप्रेशन ये खराब कर सकती है अगर आप नेक्स्ट डे ऐसे ही चले जाओगे ऑफिस कॉलेज या फिर स्कूल पे। तो उसके बाद जितने भी नेल पेंट्स है ना उसको हटा लो रिमूवर की मदद से। एंड गाइस अगर आपकी नेल्स बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है ना तो स्कूल में अलाउ नहीं करती है, तो इसको कट करके छोटा कर लो, अगर आप बड़ा रख सकते हो तो रख लो। उसके बाद अपना सेम प्रोसेस आपकी पैरों में फिंगर में भी करना चाहिए, जैसे कि मतलब अगर आप अप्लाई करते हो नेल पेंट्स वगैरह या फिर बड़ा बड़ा नेल्स रखती हो तो आप अच्छे से काट करके सेप कर लो। एंड गाइस मैं यहाँ पर कोई भी नेल पेंट्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभार ना आपको ना फ्री रखना भी चाहिए आपकी नेल्स को। तो आज मैं जैसे यूज़ नहीं करूँगी, अप्लाई नहीं करूँगी कोई भी नेल पेंट्स। एंड गाइस अभी आप रिजल्ट देख सकते हो पहली और अभी कितना ज़्यादा फर्क है, एंड दिखने में ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। उसके बाद मैं करने वाली हूँ हेयर बॉडी हेयर को रिमूव। सो पैरों में और जो हैंड है ना वहाँ पर जितने भी हेयर्स ना उसको मैं हमेशा ना मतलब क्लीन रखती हूँ, वीक में ज़रूर मैं इसको ना करती हूँ एक बार। तो मैं अपन विनास यूज़ करूँगी, ये जो रेजर है ना काफ़ी से ईजी हो जाती है आपकी बॉडी की, फुल बॉडी ना आप आराम से ना कर सकते हो, ये पूरी पेनलेस होती है। एंड अच्छे से मैं जितने भी हेयर है ना बॉडी की उसको मैं रिमूव कर दूँगी। इसके बाद ना आप कोई भी एलोवेरा जेल या फिर आप चाहो तो कोई भी लोशन बॉडी लोशन आप यूज़ कर लेना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाती है आपकी फुल बॉडी हेयर रिमूव करने के बाद। देन मैं यहाँ पर एक फुल बॉडी के लिए एक फेस पैक बना रही हूँ, तो कैसे बनाना है फर्स्ट आप देख लो। 2 स्पून मैंने यहाँ पर कर्ड ले लिया, उसके साथ आपको लेना है 1 स्पून बेकिंग सोडा एंड
टू से थ्री ड्रॉप्स आपको लेना है लेमन जूस, एंड उसके साथ आपको मिक्स करना है पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना, उसके बाद आप फुल बॉडी में इसको अप्लाई करके ना 30 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हो। ये ना स्क्रब की तरह काम करती है, एंड बस डेमो के लिए ना आपको मैं पैरों में लगा के दिखा रही हूँ। एंड गाइस समर में ना बेसिकली जो खुली एरिया होती है ना, जैसे कि पैर हो गया, लेग हो गया, एंड जो हैंड है गर्दन के आसपास ब्लैक स्पॉट सन टैन हो जाती है, तो बेसिकली वीक में ना आप ये वाली स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करना। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो वीक में 2 से 3 बार जरूर इसको अप्लाई करके देखना। सो गाइस इन कुछ सिंपल टिप्स एंड कुछ हैक्स में फॉलो करती हूँ मेरी पैम्पर वीकली पैम्पर रूटीन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है। आप अगर बिगिनर्स हो, टीनेजर्स हो, तो भी आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो ये गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।